भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 132वां जन्म दिवस आज देश और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों के साथ साथ जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गड़ी नेगी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि बंशीधर भगत ने मीडिया से बात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के साथ साथ विश्व के ऐतिहासिक पुरुष करार देते हुए कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं वो आसानी से कोई नहीं कर सकता। उच्च जन्म दिवस समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें जाति बंधन में बांधने का प्रयास किया। निश्चित रूप से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। प्रखर वक्ता थे, विद्वान थे और उन्होंने जिस प्रकार के काम किए हैं वो काम अब आसानी से कोई नहीं कर सकता। बहुत ही विद्वान व्यक्ति, देश के हित में समर्पित व्यक्ति और आज उनकी जयंती पूरे देश में समर्पण सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में कुछ लोग उन्होंने उनको बांधने का प्रयास करते हैं कि एक जाति विशेष से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने हमेशा पूरे सर्व समाज के लिए काम किया और देश के लिए काम किया। हम उनको बहुत याद करते हैं आज के दिन। वहीं अल्मोड़ा में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान राजनीतिक दलों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही अंबेडकर समिति के तत्वाधान में झांकी निकाली गई जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। आपको बताते चले कि प्रत्येक साल 14 अप्रैल के दिन को देश भर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस पूरे देश के साथ विभिन्न स्थानों पर धूमधाम के साथ मनाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।